हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम एक 3D फेस मास्क तैयार करेंगे। हमारी एक व्यूअर है, उनकी ये डिमांड थी कि मैं ये करके बताऊं आपको। तो उसके लिए हमारे जो बॉर्डर वाले ब्लाउज पीस आते हैं इस तरह के, उसमें मैंने एक पीस काटा है जिसका मेजरमेंट है 11 इंच बाय 8 इंच। इस तरह के मैंने एक मेन फैब्रिक का कपड़ा जो बाहर की तरफ आएगा, और दो पतले से कॉटन के पीस लिए हैं जो हमारे अंदर के लेयर्स बनेंगे, और इसी मेजरमेंट से हमें फ्रंट पीस तैयार करना है। उसके लिए एक ओर से मैंने बॉर्डर का पीस कट कर लिया है, और इस ओर मैं यहाँ पे बॉर्डर उसे अटैच करूंगी। तो ये हमारा देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे ये बॉर्डर का टुकड़ा रखूंगी और यहाँ पे स्टिच करेंगे, तो ये हमारा पूरा 8 इंच बाय 11 इंच का पीस बन जाएगा। इस तरह से मैंने यहाँ के जैसे ही नीचे का बॉर्डर भी जोड़ लिया है, तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट बनेगा, ये मिडिल के दो पीस हमारे, और ये हमारा बैक पीस। अब यहाँ से चारों ओर से हमें दो दो इंच के मार्किंग करके यहाँ पे इस तरह से काट लेना है। और अब ऊपर के दो लेयर में एक साथ ऊपर उठाऊंगी इस तरह से, और सीधी साइड्स एक तरफ लेके अब यहां से और यहां से, और उसी तरह से यहां से, यहां से और यहां से स्टिच करनी है, और अंदाजे से 1/2 इंच की स्टिच हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड से लेंगे। सिलाई करते वक्त हमारा एक एडजस्टमेंट रह गया था, वो मैंने कर दिया है। इस तरह से मैंने फोल्ड करके ऊपर का जो हमारा हिस्सा था, यहां से इसका मिडिल लेके यहाँ पे 1/2 इंच पे कर्व करके वहां पे मैंने सिलाई कर दी है। अब हमें इसे अब सीधा करना है। इस तरह से हमारा ये शेप बन के तैयार है, ये इस तरह से बॉर्डर दिख रहा है, और ये इस तरह से अच्छे से। पहले हम यहाँ पे एक दाब सिलाई करके लेंगे, यहाँ पे सिंगल दाब सिलाई हमने कर ली है। अब ये जो हमारा पीस है इसे हम 1/3 फोल्ड करेंगे, मतलब ये और ये तीनों हिस्से एक ही मेजरमेंट के आने चाहिए। तो इस तरह से एक ओर से फोल्ड होगा और दूसरी तरफ से इस तरह से। अब यहाँ पे फोल्ड पे हमें यहाँ पे एक स्टिच करनी है और एक स्टिच इस फोल्ड पे करनी है। यहाँ पे इस तरह से ये हमारे फोल्ड आ चुके हैं। अब ये यहाँ पे एक ओर से हम इसे ओपन करेंगे। और यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई करते वक्त इन दोनों को 90 डिग्रीज में हमें लेके सिलना है। अब ये यहाँ से फोल्ड होगा, यहाँ पे थोड़ा उसको एक प्लीट जैसे हमें लेना पड़ेगा, और ये सीधा फोल्ड होगा, और ये भी यहाँ से एक प्लीट लेनी होगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक ऐसे प्लीट जैसे फूलेगा, ये हमें यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ये सीधी, ये दोनों एक ही लाइन में आने चाहिए हमारे। तो यहाँ पे ये प्लेन नहीं आएगा, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा ये उठ जाएगा, और ये
एक ही लाइन में पूरा ये सिलेगा ऐसे, इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाइयां कर दी है। ये जो हिस्सा है हमारा वो क्रॉस में था, उसे हमने सीधा इससे पैरेलल यहाँ पे सिल दिया है। देखिए तो ये इस तरह से ये फूल जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ पे हमें फोल्ड करके और एक बार यहाँ पे फोल्ड करना है, ताकि हम यहाँ से इलास्टिक, या यहाँ पे मैंने इस तरह से लेस ली है उसे डालने के लिए, यहाँ से एक फोल्ड और एक फोल्ड यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक स्टिच होगी, उसी तरह से एक फोल्ड यहाँ पे और ऊपर से और एक फोल्ड और यहाँ पे एक स्टिच। अगर आपका मशीन ज्यादा मोटा लेयर नहीं ले रहा है तो आप इसे हाथ सिलाई करके भी सिल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये चार लेयर्स लिए हैं तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा जाड़ा हो जाए कपड़ा सिलते वक्त। ये डोरिया हमने डाल दी है और जितना आपको चाहिए उतना आप एडजस्ट करके, तो इस तरह से ये 3D फेस मास्क हमारा बनके तैयार है। आप इसे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।